हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान की उन फिल्मों के बारे में जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। जी हाँ, लाल सिंह चड्ढा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की रीमेक है। उसी तरह से आमिर खान की और भी बहुत सी फिल्में हैं जो कहीं ना कहीं हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं आमिर खान की 5 बड़ी फिल्मों के बारे में जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है। My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. नंबर 5, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर आमिर खान के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, जिसने काफी ज्यादा नाम कमाया था। लगभग हर कोई इस फिल्म के बारे में जानता है। इस फिल्म को मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था, वहीं आमिर खान, दीपक तिजोरी और आयशा जुल्का फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे। 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म उस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की कहानी एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी? जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर 1979 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग बॉय से इंस्पायर्ड है। नंबर 4, बाजी। बाजी फिल्म में कई हॉलीवुड फिल्मों की झलक देखने को मिलती है, जैसे कि रैम्बो, पॉइंट ब्रेक और डाई हार्ड। डाई हार्ड से इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा मिलती है। कई ऐसे सीन हैं जो हूबहू डाई हार्ड की तरह दिखाए गए हैं। तो आमिर खान की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 1988 में आई ब्रूस विल्स की एक्शन थ्रिलर फिल्म डाई हार्ड से इंस्पायर्ड है। बाजी फिल्म को आशुतोष ग्वारिकर ने डायरेक्ट किया था, वहीं आमिर खान और ममता कुलकर्णी फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे। 1995 में रिलीज हुई बाजी फिल्म कुछ खास नहीं गई थी। IMDb पर फिल्म को 6.4 की रेटिंग मिली है। नंबर 3, आतंक ही आतंक। शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि 1995 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आतंक ही आतंक। शायद ही किसी को पता होगा क्योंकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। जी हाँ, आमिर खान, रजनीकांत, ओम पुरी, रजा मुराद, जूही चावला और दिलीप ताहिल जैसे बड़े कलाकारों से सजी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फिल्म की कहानी और डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म मार खा गई थी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म द गॉड फादर से इंस्पायर्ड थी। द गॉड फादर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आतंक ही आतंक फिल्म में आमिर खान ने अल पचिनो यानी कि माइकल कॉर्लियोन के रोल को प्ले किया था। सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड ने गॉड फादर का भी रीमेक किया हुआ है। नंबर 2, गुलाम। गुलाम फिल्म के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ, ये गाना गुलाम फिल्म का ही है जो आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है। गुलाम फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था, जिसमें आमिर खान लीड रोल में नजर आए थे। 1998 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था। लेकिन ये फिल्म एक हिंदी फिल्म की रीमेक थी। जी हाँ, 1988 में आई संजय दत्त की फिल्म कब्जा से गुलाम फिल्म को रीमेक किया गया था। पर इन दोनों फिल्मों की जो कहानी है वो 1954 में आई हॉलीवुड फिल्म ऑन द वाटर फ्रंट से इंस्पायर्ड थी। नंबर 1, धूम 3। जी हाँ, काफी कम लोगों को मालूम होगा लेकिन आमिर खान की सुपरहिट फिल्म धूम 3 भी एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है। क्रिस्टोफर नॉलन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने हॉलीवुड की कई नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, उसी में से एक फिल्म है द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। तो धूम 3 की जो कहानी है वो द प्रेस्टीज फिल्म से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। कुछ चीजें अलग हैं लेकिन काफी हद तक धूम 3 की कहानी द प्रेस्टीज फिल्म से इंस्पायर्ड है। अगर आपने अभी तक द प्रेस्टीज फिल्म को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। द प्रेस्टीज को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि फिल्म का प्लॉट किस हद तक इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, ये थी आमिर खान की कुछ खास फिल्में जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा भी कुछ फिल्में हैं जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, गजनी फिल्म भी इंस्पायर्ड है। तो आपको आमिर खान की इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।